मैंने अपने को रेडी कर दिया, कंघा नहीं लगाया, टीका लगाया था सुबह का, तो अभी तक ये पीला टीका नहीं लगा हटा है। और बाकी मैंने लिपस्टिक लगाई है किरण की, आज ऑरेंज कलर की, पहली बार लाइट चली गई। जय श्री राम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी बिजलवान ब्लॉग्स। लाइट चली गई यार, मम्मी लाइट खोल के गई थी, दिख रहा है 8 बज रहे हैं। मम्मी उठा के चली गई थी मेरे को कि मैं दोबारा नहीं उठाऊंगी क्योंकि आज मुझे बहुत सारी पूजा करनी है और अब बाहर बहुत अंधेरा हो गया और ठंडा भी हो रहा है। नहा धो के पूजा करके फिर सोच रही दोबारा सो जाऊं। अभी घर के अंदर ही पूजा करी है, अभी शिवलिंग पे जाना है, शिवलिंग पे जल चढ़ाना है, मंदिर जाना है तो नींद इतनी आई थी मुझे पूजा करते करते, मैं क्या बताऊँ। और तन्नू अभी तक सो रखी है, ठीक है, और किरण नहाने जा रही है। किरण का आज ऑफिस नहीं है, आज वही राम के उपलक्ष पे, राम के अयोध्या जाने के उपलक्ष पे छुट्टी दे रखी है उसके ऑफिस वालों ने, मेरे ऑफिस वालों ने नहीं दी है। मैंने तो लॉग इन कर लिया है और ये मेरा बेड फैला हुआ है और बहुत ठंडा हो रहा है मेरे को। तो मम्मी ने 8 बजे उठा दिया था, मैं फिर भी 9 बजे उठी। देखो मंदिर पूरा सजा हुआ है, शिव जी का मंदिर है, यहाँ आज भंडारा होगा तो यहाँ जा रही हूँ मैं जल चढ़ाने। यहाँ पे ना आज राम प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष में यहाँ भंडारा हो रहा है, तो यहाँ पे ना तैयारी हो रही है, यहाँ पे खाना बन रहा है। यहाँ मतलब हमारा पुराना स्कूल था इधर पीछे, खाना खाने आना। हाँ बिल्कुल आंटी, नमस्ते। वाह देखो सुबह सुबह किसको मिलता है ऐसे नजारे पे, धूप नहीं आ रही है बिल्कुल भी। हमेशा टीका टेढ़ा लगता मेरा, मैं अभी दूध लेने आई हूँ, कच्चा दूध जो मुझे चढ़ाना है। देखो ये हो गए, यस रुक गई, खाते खाते हाँ खाने के लिए नहीं, फोन है, फोन फोन ही है। दो गाय आंटी और बछड़े अंदर इनके, और ये दूध लेने आई थी मैं इधर, बस गिरे ना। कितने सा सेल्फी सेल्फी सेल्फी, देखो कैसे पोज बना रही। मैं अब भी आ रही हूँ दूध चढ़ा के, जो मैं दूध लेने गई थी ना उसको चढ़ा के आई हूँ। स्कूटी से गई क्योंकि वो दूर था, वो जगह दूर है, और मेरे मैं लिटरली बता रही हूँ मेरे को ना सब जगह ठंड लग गई है, मेरे यहाँ ठंड घुस गई है। मैंने क्योंकि आज कपड़े उतने तमीज़ से नहीं पहने थे क्योंकि और टाइम में काफ़ी सारे कपड़े पहनते, और बाहर बहुत ठंड हो रहा है, मुझे ना अभी भी यहाँ पर पता नहीं क्या हो रहा है। और मेरे हाथ मुझसे ब्रेक ही नहीं लगे स्कूटी पर, स्कूटी से गई थी ना मुझे ब्रेक ही नहीं लगे हाथ से, ये देखा अभी हाथ कैसा हो रखा मेरा। हर जगह राम चल रहा है, और हमारे बगल वाले मंदिर में ना भंडारा है आज, मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा, मुझे ऐसे लग रहा है मैं पता नहीं आंख ऊपर करके बोल रही हूँ, मंदिर के बगल वाले मंदिर में भंडारा है और उन्होंने बोला आना, मैंने कहा बिल्कुल आएंगे, यहाँ तो बोलने वाली बात ही नहीं है, जाएंगे अटेंड करेंगे, रैली भी अटेंड करने का बहुत मन है मेरा, देखते क्या होता है। भगवान जी प्लीज़ थोड़ा मौसम पे सुधार ला दो, बिल्कुल धूप नहीं आ रही है।
मैं धूप में बैठने वाली बंदी हूँ भाई, मुझे ना इतनी चटक धूप में भी बैठा दो ना, मैं बैठ जाऊंगी चार कपड़े पहन के। ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, और ठंडी का मौसम ही सही लगता है क्योंकि रजाई में बैठने का मौका मिलता है। अब थोड़ा सा रिलैक्स मिला है मेरे को बहुत ज़्यादा, मतलब अभी सर ऐसा हो रहा है झंझना रखा है बिल्कुल। तो अब नाश्ता करने जा रही हूँ, मम्मी ने पता नहीं क्या बनाया है, मुझे तो किचन में कुछ नहीं दिखा था, मेरा चार्जर टूट जाएगा किसी दिन। नाश्ते में मम्मी ने अभी बनाया हरी सब्जी और रोटी, गरम गरम रोटी भी अभी बनाई मम्मी ने। देखो किरण ने कॉफी बनाई है। मैं थोड़ा मत करियो। इतनी सारी कॉफी तन्नू के लिए? हाँ पी लेगी वो इसमें दूध डाल के। ठीक है अच्छा, मीठा डाला था ना इसमें, घी पूरा। मम्मी को भी देख के आना था, मम्मी बेचारी ऊपर काम। हाँ? अच्छा आपकी बड़ी बेटी को खाने का मन करा था उसने भिगा दिए, आपकी बड़ी बेटी को खाने का मन करा था उसने भिगा दिए। मम्मी कॉफी पियोगे? डायलॉग मरवा लो इन लोगों से, मेरे उसमें डाल दिया फिर उसके बाद अगर हो गया। हो गया क्यों पूरा? तो ये देख ऊपर ही ऊपर आ रहा है इसका। तो वो कैपेचिनो है वो। पीनी है क्या कभी? नहीं पीना, तभी तो बोल रही हूँ। पिलाई नहीं मुझे तुम लोगों ने। भाई ऐसा कोई काम नहीं है जो किरण को आता नहीं है। हम लेके आने कुछ काम झाड़ू की छोड़ दिया मुझे, तो ये बता मैंने। मैं तो बोल रही हूँ मैं पोछा मारूंगी, दे मैं तो खुल के बोल रही हूँ। देखिए झाड़ू भी जानती है, कपड़ा धुलना भी जानती है, खाना बनाना भी जानती है, मुंह चलाना भी जानती है। हटे ऐसे, दिमाग खराब कर रही है। मैं ये कुर्ती पहनने वाली हूँ मंदिर में जाने के लिए। सो मीन, I'm so selfish. I know. सब काम कर रहे हैं बस यही एक VIP की तरह बिस्तर के अंदर लेटी हुई है। चल 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 कुर्तियां पहन तू। मैं नहीं पहन रही कुर्ती, कुर्ती हाँ वैसे इतनी सर्दी हो रही, कुर्ती पहन। अपनी ली हुई चीजें मुझे सारी पसंद है, मुझे तो बस एक बार पहनने के बाद कुछ पसंद नहीं आता। अम्मानी के घर में पैदा होती हूँ, पैदा हुई गलती से हो गई नहीं पैदा। अच्छा तो अम्मानी क्या पैदा, भगवान भी जो करता है सोच समझ के करता है। अम्मानी के घर में पैदा करता था वो तो बेचारा, मैं तो कपड़ों का ही ढेर लगा हुआ होता मेरे घर पे। एक लड़की कोई काम नहीं करती, ये देखो इसे ध्यान से, ध्यान से डेली मेरे ब्लॉग देखता है सब। हाँ, देखो इस चुड़ैल को, देखो मैं तो, मेरा ये ड्रेस है, ये तो आपने देखी होगी मेरी कुर्ती जो मैंने जूडियो से ली है, और मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे अपने सारे कपड़े सभी अच्छे लगते हैं। और मैंने अंदर से ना ब्लैक इनर पहना हुआ है यार, यहाँ से दिख रहा है ना, यही दिक्कत होती है अंदर से कपड़े पहनने में ना। और नीचे आज मैंने सलवार पहना है, और दिन में पजामी पहनती थी, और मैंने ना आज कोट निकाला है, ये कोट निकाला है, दिस इज फ्रॉम ज़ारा। मतलब मैं बहुत टाइम से दिखाना चाह रही थी कि कोट मुझे पहनने का मौका नहीं मिला, पर मैं इसको आज पहनूंगी। और मैं इसका प्राइस दिखा देती हूँ कितना है। और मैं नहीं बताऊंगी मुझे कितने का पड़ा है, साफ सीधी सी बात, मेरे घर वालों ने देख लिया तो फिर बोलेंगे, वैसे तो बोलती पैसे नहीं है, यहाँ देखना उड़ा रही है। तो 6,000 का था ये, तो आप समझ ही सकते हो कि कितने का पड़ा होगा मेरे को। तो ये ज़ारा का कलेक्शन है अपने पास, ऐसे ही मेरे पास 2-4 कलेक्शन है ज़ारा के, सिर्फ ज़ारा ही ज़ारा के, वो भी अच्छे खासे रेंज में पड़े थे मेरे को। अभी तो मैं फिलहाल इसको पहनती हूँ, देखते हैं। मैंने अपने को रेडी कर दिया, कंघा नहीं लगाया, टीका लगाओ था सुबह का, तो अभी तक ये पीला टीका नहीं लगा, हटा है,
और बाकी मैंने लिपस्टिक लगाई है किरण की, आज ऑरेंज कलर की, पहली बार लगा रही हूँ मैं ऑरेंज कलर की कोई लिपस्टिक, और ऐसे ही जाने वाली, कपड़ा फैले हुए हैं यहाँ पे, सारा सामान फैला हुआ है, और हम आके तय करेंगे क्योंकि शाम तक ही फ्री होंगे, क्योंकि हमें जगह जगह जाना है मंदिरों में, आज इन्विटेशन आ रखा है सब जगह से, इन्विटेशन नहीं भी आता हम तो भी जाते हैं, तो ये तो आज बहुत बड़ी बात, मतलब आप साक्षी बन रहे हो किसी चीज़ के, आप आने वाले अपने जनरेशन में बताओगे कि हाँ कैसे राम मंदिर बना था, किसने, मतलब इसमें कितने लोगों का हाथ है और कितने लोगों का स्ट्रगल है, कितने लोगों की आस्था थी इसमें, तभी तो बन पाया ना। तो बस यही है, बस मैं भी उसकी आज साक्षी बनने जा रही हूँ, तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे इसका मौका मिला, मैं तो अपनी बहनों को भी लेके जा रही हूँ अपने साथ साथ, मेरी मम्मी तो चली गई है क्योंकि जो अभी सुबह मंदिर में गई थी ना वहाँ पे भंडारा है, भंडारा के वहाँ पे पहले कीर्तन होगा, तो वहाँ कीर्तन पे जा रहे हैं, फिर मम्मी को दूसरे मंदिर में, मम्मी को भी तीन चार जगह जाना है, और मैं तो अभी रैली अटेंड करने जा रही हूँ फिलहाल, और तो अभी अपने थोड़े से ड्रेस में हल्का सा चेंज कर दिया मैंने, मैं श्रग डाल दिया है, और ये कोट जो है ना इसको मैं अभी नहीं पहन रही क्योंकि अभी मुझे अनकंफर्टेबल है, क्योंकि अगर हमने रैली में डांस किया तो मुझे कोट उतारना पड़ेगा, तो इसलिए मैं हल्का सा थोड़ा सा श्रग पहन के जा रही हूँ जो कि किरण का है, और पूरी अच्छी तरीके से मैच कर रहा है ये किरण की ड्रेस के साथ, और किरण अगर मेरा कोट पहन रही थी तो मैं इसे फाड़ के रख देती पूरा, ऐसे में ही दिखा ना, ऐसे में मत दिखा, कोई फायदा ही नहीं है मुझे वो करना पड़ेगा। तो बताओ गाइस कैसा लग रहा है, मेरा मेकअप भी देख लो जरा जूम करके, चमार लग रही है ये तो बता दे, ओप्स मेरी फ्लेक्स चल बस करो, देखो हम तो रेडी हो गए, और जूती पहनी मैंने, तो यहाँ पर हम पहुँच गए थे हनुमान मंदिर जहाँ हम मैं हमेशा आती हूँ मंगलवार के दिन, तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारा भीड़ इकट्ठा हो रखी थी, ये भी मेरे ख्याल से रैली का ही वेट कर रहे थे, तो यहाँ पे लाइव स्क्रीन भी लगी हुई थी अयोध्या से सीधा, मेरे ख्याल से सभी मंदिरों में लगी हुई थी, यहाँ देखो सबके अंदर कितनी एक्साइटमेंट है, तो मैं भी जल्दी जल्दी से जल्दी जल्दी क्या आराम से ही बहुत अंदर से साली है कि हमें भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की शोभा यात्रा में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, बोलिए जय श्री राम, लखन लाल की।
की, सीता माता की, शत्रुघ्न लाल की, लाल की, पुत्र हनुमान की। कोई प्रधान था ना, मैंने उसको वीडियो दिया था, वो ना उसमें बैठा होता, गाड़ी में बैठा होता, तो मैंने कहा पूरी रैली की फोटो दिखेगी कि रैली है, रैली दिखेगी भाई। वो वीडियो का ऑन ही नहीं हो रहा था बटन यहाँ पे, और मेरे पास वही वीडियो है जो मैंने बनाई थी, पूरी रैली की वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। सुन लो गाना, मैं जा रही हूँ दूसरी जगह, वो वाली रैली बहुत बड़ी थी और बहुत मतलब 1.5-2 किलोमीटर बड़ी रैली थी, वो मजा आ गया था डांस करने में। मौसी नमस्ते, मौसी नमस्ते, नमस्ते ताई, नमस्ते नमस्ते, हेलो 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 मेरे को, हेलो हैप्पी
हम तो रैली में गए, बहुत मजा आया हमको। इतनी लंबी रैली थी ना, है जो लाइन पर वाली रैली थी, वही 1-2 किलोमीटर की रैली थी। डांस करते करते गए हम वहाँ से, आई ना ये सोमेश्वर मंदिर से, हनुमान चौक, फिर हनुमान चौक से होशियारी से वहाँ गोरी माफी कर दी नमस्ते। ये कौन बुआ है? वो नंदन बुआ। हाँ नंदन नाम नहीं याद एकदम से, रीना उसको पता है। तो अभी मंदिर में कुछ नहीं हो रहा है? बाहर रहेगा उससे अभी, खाना बच रहा था। हाँ मंदिर में जाओ, तन्नू जा रही है भंडारा खाने। ठीक है, मैं इसका मुंह देखने जा रही हूँ क्योंकि मैं नहीं खाऊंगी, मेरा फास्ट है। कमरा पीड़ा, ये यहाँ कहाँ बज रहा है मंदिर? अच्छा बस तो रहेगा ना। ओ ओ कौन सा सॉन्ग है ये बता? गुलाबी शरारा, गुलाबी शरारा। तन्नु को ले लिया मैंने, जूम कर लिया, भंडारा खाने बैठी है। आपको तो मैंने जूम करके लिया है। बताओ 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 कैसे क्या है मेरे ब्लॉग का नाम? देख इस बच्चों को मालूम है, अब तो याद रखना पड़ेगा। जय श्री राम बोलो। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत नमस्ते, जय श्री राम बोलते चले जाओ, तुम्हारे लिए लीला है। ओ बिल्कुल अंकल जी नमस्ते। तन्नू मुझे बोली उसने 3 पूरी खाई, इतनी देर तक क्यों बैठी हुई थी वहाँ पे? पेट भरा नहीं भरा तेरा? अब हम घर की तरफ जा रहे हैं वापस, अभी बर्तन धुलती हूँ। मैं खा रही सुबह की सब्जी रोटी क्योंकि मैं भंडारे में नहीं खा सकती थी मजबूरन। मैं लिटरली बता रही हूँ, मुझसे ना पैर नहीं रखे जा रहे नीचे, इतना डांस किया ना मैंने रैली में, मैंने अपनी सारी भड़ास ही निकाल दी। मेरा तो मतलब ऐसा हो रहा था कि फ़ोन कोई और पकड़ ले वीडियो बना ले, और मुझे वीडियो बनाने के चक्कर में रुकना पड़ा क्योंकि मैं इतनी भीड़ में किसी को फ़ोन नहीं दे सकती थी कि हाँ वीडियो बनाओ मेरा। तो मेरा क्या रैली का क्या, रैली लिटरली 1-2 किलोमीटर लंबी रैली थी, मतलब मैंने रायवाला में पहली बार ऐसी रैली देखी। सुन तूने तो हद नहीं मचा दी कुछ ज्यादा ही, हैं? न काम कर रही है न छत पे। छत पे आई हूँ कपड़े लेने के लिए। तो अभी हम दिया जलाने के लिए बैठे हैं मंदिर की तरफ। मम्मी आज कितने पूरे दिन भर तो खोलो, भोग लगाने के लिए जाना है। हमने अभी फूल बनाए थे, ये भोग लगाया था, अब यही हम गाय को देने जा रहे हैं। ये आज का हमारा खाना है और ये है खीर, किरण ने बनाई है पर मम्मी ने इसमें यहाँ से सब्जी डाल दी है। ये छोले हैं, ये पूरी है और ये तन्नू है अपना प्लेट लेके बैठ गई है। मेरे से तो कंट्रोल नहीं हो।
हम सोए ही थे ना, अभी क्या हुआ एकदम से मुझे कॉल आया बल्ली का कि दीदी वो आपका लैपटॉप चाहिए था, उसकी सीडी लगानी थी, उसमें से कुछ उनको वीडियो निकाल के अर्जेंट में चाहिए था, उसके पापा की कुछ अर्जेंट में बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, हो गई है, और उसको अभी डॉक्टर को वीडियो दिखानी है जो सीटी स्कैन हुआ है, तो वो अर्जेंट में अभी रात में आया, सब सो गए थे, 10 बजे आया वो, सोचो कितनी इमरजेंसी रही होगी उसकी। तो बल्ली और हिमांशु आए थे, हिमांशु और बल्ली दोनों मेरे छोटे भाई के दोस्त हैं, हिमांशु पर मेरा कज़न है और बल्ली उसका दोस्त है, तो ये मतलब सारे दोस्त हैं। तो बल्ली के पापा की कुछ तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो पापा उसके आईसीयू में है और कुछ अभी सीटी स्कैन वगैरह कराया था, तो एम्स के डॉक्टर्स ने ये बोला कि हम अभी रिपोर्ट तो नहीं दिखा सकते, पर जो डॉक्टर को दिखाना था उन्होंने बोला कि या तो तुम्हारे पास पर्सनल लैपटॉप वगैरह या कुछ हो जिसमें वीडियो बना के तुम सिर्फ हमें भेज दो, हम तब तक के लिए देख लेंगे, क्योंकि एम्स में कुछ भी प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फिर वो हमारे घर में आए, पहले उन्होंने इधर उधर पता किया, फिर उन्होंने अभी मुझे 10 बजे के अराउंड फ़ोन किया कि दीदी हमें लैपटॉप चाहिए, सीडी लग जाएगी। तो मैंने कहा हाँ सीडी तो लग जाएगी, पर ना पता क्या सीडी काम नहीं करी, मुझे नहीं पता क्या उसमें अपडेट मांग रहा था क्या नहीं मांग रहा था, क्योंकि उस लैपटॉप को यूज़ किए हुए मुझे बहुत साल हो चुके हैं। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ, और बस आज का ब्लॉग मतलब बहुत अच्छा था, बस ये भी थोड़ा सा बुरा लगा मुझे सुन के बल्ली के पापा के लिए, अदरवाइज़ आज का ब्लॉग बहुत अच्छा था। मैंने बहुत डांस किया, बहुत ज़्यादा डांस किया आज रैली में, ऐसे कंधे दर्द हो रहे हैं दोनों के दोनों, और पैर तो ज़मीन में भी नहीं रखे जा रहे थे, अभी तो फिर भी सही लग रहा है। और पूरी हलवा खीर पूरी खीर छोले की सब्ज़ी जो किरण ने बनाई थी ना, A1 हो रही थी, मज़ा ही आ गया था, डकार आ रही है मुझे उसकी अभी तक। तो चलो ठीक है, आज के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय श्री राम।